ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद में अपमानजनक टिप्पणी के बाद से विपक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई का इंतजार था, लेकिन इस बीच बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी यानी इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त किया गया है। टोंक सीट जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। वो वहीं से विधायक भी हैं और ऐसी अटकलें हैं कि पायलट इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी टोंक से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। रमेश बिधूड़ी को लेकर आए बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल भी खड़े किए हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट लिखा, कहा कि मैं जानती थी रमेश बिधूड़ी को लोकसभा में मुस्लिम सांसद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का इनाम मिला है। शो कॉज नोटिस भेजे गए शख्स को नई भूमिका कैसे दी जा सकती है? बीजेपी और पीएम मोदी जी, क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए आपका प्यार है? इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी ने 22 सितंबर को रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा था और 10 दिनों के अंदर उन्हें अपने आपत्तिजनक बयान पर सफाई देने को कहा गया था। अब आपको इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देते हैं। 21 सितंबर को लोकसभा में सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिया था। बिधूड़ी काफ़ी देर तक दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी और गाली गलौज करते नजर आए। उन्होंने इतनी शर्मनाक बात कही कि हम आपको ना तो उसका वीडियो दिखा सकते हैं और ना ही कहकर सुना सकते हैं। बिधूड़ी के उस बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। कई नेताओं ने बिधूड़ी के वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिए। इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर ही माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने यानी बिधूड़ी ने कुछ ऐसा बोला है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। इस मसले पर दानिश अली ने कहा था कि जब उनके जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति देश में ये है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। बिधूड़ी ने जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है वो पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी ने 22 सितंबर को रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजकर 10 दिनों के अंदर सफाई देने को कहा था, लेकिन अब इन सब के बीच रमेश बिधूड़ी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी सहयोगी ज्योति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।